स्वागत है आपका शब्दों की खेती में। प्रस्तुत है हिंदी भाषा की क्यारी का नव पल्लव द्विवेदी युग। इसमें द्विवेदी युग के साहित्यकारों के अलावा पत्रकारिता, सिनेमा तथा लिपि की भी चर्चा की गई है। अच्छी लगे तो चैनल को समर्थन दीजिएगा। अभी तक हिंदी कविता के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग जारी था, पर द्विवेदी जी ने साहित्यकारों से खड़ी बोली में कविता करवाई और भारतेंदु युगीन भाषा के अनियमित प्रयोगों को सुधार कर खड़ी बोली गद्य को परिमार्जित किया। द्विवेदी युग के साहित्यकारों में मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, चतुरसेन शास्त्री, पांडेय बेचन शर्मा उग्र के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने नई नई विधाओं में नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। हिंदी साहित्य के अलावा हिंदी पत्रकारिता तथा हिंदी सिनेमा ने भी हिंदी को देश के कोने कोने तक प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय के बदलाव के साथ साथ आज देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हिंदी के अनेक रूप प्रकट हो रहे हैं और अहिंदी भाषी क्षेत्रों के साहित्यकार व पत्रकार भी हिंदी में लिख रहे हैं। स्वदेश के अतिरिक्त विदेश में भी हिंदी प्रेमियों की कोई कमी नहीं है। भाषा के विकास के साथ साथ लिपि में भी सुधार होता है। 1904 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में नागरी लिपि में सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। फिर 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में लिपि सुधार के लिए एक उप समिति बनाई गई थी। 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार के लिए एक समिति गठित की। संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त करने के अनंतर नागरी लिपि का सही स्वरूप सामने आया। शेष फिर कैसी लगी चर्चा, कमेंट कीजिएगा। आभार।